सुबह बखैर शुभ्रा। मैंने कहा भाई आज नाश्ता तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही करते हैं। ऑमलेट बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये देखो सब। मैंने कहा अच्छा लगेगा तुम्हें कि मैं खुद ही पका के खुद ही खाऊंगा, तुम भी लो ना बल्कि ये लो। आपको पता है, आपका ये दोस्ती वाला रूप तो सबसे खूबसूरत लगता है। फिर तो तुम्हें पहले ये जान लेना चाहिए ना कि मैं तुम्हारा दोस्त बना कैसे, क्योंकि जब तुम पैदा हुई थी मैंने तो बाप बन के गोद में उठाया था तुम्हें। तो यानी आप अपने बाप के रिश्ते को हमारी दोस्ती पे फोकियत दे रही। ऑब्वियसली देखा जाए तो सच तो यही है। दोस्त बन के हाथ थामा ही क्यों था अगर झटकना ही था? और तो और सही गलत अच्छे बुरे की फर्क और पहचान क्यों सिखाई थी? बस सीधा सीधा कह देते कि मेरी हुक्म की तकमील करना सीख लो। वेरी आर्टिकुलेट, अच्छा बोलना सीख गया तुमने। सच में ये भी बताओ कि क्या तुमने मुझसे बेहतर इस दुनिया को देखना भी जान लिया? सच है पापा, मैं आपसे बेहतर इस दुनिया को जान गई। और अगर आज भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना, तो जाएं जाके पता लगाएं कि जिस फजल बख्श को आप इस घर में लेकर आए थे, आपने इतना करीब रखा था, उसको क्यों नहीं जान सके? उसका सच क्यों नहीं जान सके? सर, फजल बख्श ने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं बताया और ना ही मुझे कभी पूछने की जरूरत महसूस हुई। अब्दुलरहमान तुम्हें तो होगा कुछ अंदाजा पता कराया तुमने? जी सर, मैंने मालूम करवाया था लेकिन उसे वहां कोई नहीं जानता था। नंबर क्या नाम है उसके बाप का? सर खुदा बख्श, खुदा बख्श। हाँ तो खुदा बख्श को तो जानता होगा ना कोई? जी सर, मैं दोबारा पता करवाऊंगा लेकिन सर मैं समझता हूँ कि मुनव्वर भाई फजल बख्श के बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि ये उससे पैसे के लेन देन भी करते रहे हैं और एक दिन तो उसकी दी हुई गाड़ी की चाबी भी घुमाते हुए जा रहे थे सर। मुनव्वर जी, अब जी जी बात कर रही है। जी सलाम अलैकुम सर। मिस्टर सुलेमान, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? सेक्रेटरी बता रहा है कि साउथ और ईस्ट डिवीजन में हमारे जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सब में तुम्हारी तरफ से कोताहियों की एक लंबी कतार लगी है। इट्स नॉट पॉसिबल सर, कोई डिस इन्फॉर्मेशन होगी, आप चाहें तो खुद देख सकते हैं रिपोर्ट्स। हाँ, मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा क्योंकि ये सारा मामला हमारी पार्टी सदर के कानों तक पहुँच चुका है। तुम इस तरह करो कि तमाम फाइल्स लेकर दाऊद अली खान साहब के घर पहुंचो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूं, समझे? दाऊद अली खान के घर? इज्जत से नाम लो। दाऊद अली खान साहब। क्या? दाऊद अली खान साहब। फौरन पहुंचो। जी मैं पहुंचता हूं सर।